नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा अलग से हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले इस दुनिया के इतिहास के प्रेजेंट के फ्यूचर के सबसे ज्यादा पावरफुल 5 वेपन्स के बारे में, या फिर कह लो कि 5 अस्त्रों के बारे में जिनका कोई तोड़ नहीं है और दुनिया में कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए इन अस्त्रों के सामने फेल ही है। ये 110% क्या लाख करोड़ परसेंट सच है और उन अस्त्रों का यूज ज्यादा होता भी नहीं है, बहुत ही रेयर बार हुआ। मतलब जो भी अस्त्र हम आप लोगों को बताएंगे उनका यूज शायद 1 या 2 बार ही हुआ, बहुत रेयर। मतलब बार बार उनका यूज कर भी नहीं सकते, क्योंकि बार बार यूज करेंगे तो मतलब आगे क्या क्या होने वाला सब कुछ आप लोगों को बताने वाले। क्योंकि ऐसे अस्त्र होते हैं कि एक बार भी यूज कर लेना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है पूरी दुनिया को, केवल एक इंसान को नहीं। खैर, बताते हैं 5वें नंबर का अस्त्र जिसका नाम है पाशुपतास्त्र। बहुत सारे लोग जिन्हें महाभारत की जानकारी, उन्हें पता होगा कि भगवान शिव ने एक बार परीक्षा के दौरान अर्जुन से सामना किया था और उसी सामने के बाद भगवान शिव अर्जुन की जो पराक्रम है उससे काफी ज्यादा प्रसन्न हुए थे, क्योंकि अर्जुन ने बहुत टाइम तक तपस्या किया था भगवान शिव को खुश करने के लिए, और बस उसी खुशी की वजह से भगवान शिव ने आशीर्वाद के तौर पर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था। ये जो अस्त्र है इतना ज्यादा पावरफुल है कि भगवान शिव ने बोला था कि तुम बस इसका यूज किसी का भी नाम लेके करोगे, मतलब किसी के भी ऊपर करोगे, उस इंसान का तो हारना तय है, उसकी मृत्यु तय है, उसका वध होना तय है। अर्जुन ने अपने पास तो रख लिए थे लेकिन अर्जुन ने इसका उपयोग कभी भी नहीं किए थे, शायद नहीं किए थे कभी भी नहीं, पाशुपतास्त्र का यूज नहीं हुआ था। इसी प्रकार से 4थे नंबर में आता है ब्रह्मास्त्र। कौन नहीं जानता होगा ब्रह्मास्त्र के बारे में, सभी लोगों को पता होगा ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो आज के टाइम के वेपन से भी अगर कंपेयर करें ना तो लाख गुना ज्यादा पावरफुल था। बोलते ना लोग, आज एक ऐसा वेपन है, कोई एक ऐसा, मैं नाम नहीं लूंगा, यूज कर दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसी वेपन का यूज करेंगे लोग और दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन पता होगा लगभग, हाँ, उस वेपन से भी लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ब्रह्मास्त्र। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग ज्यादा हुआ ही नहीं है और जानकारी के हिसाब से ब्रह्मास्त्र का रियल उपयोग केवल एक बार हुआ था, जो कि अश्वत्थामा ने किया था, जिसकी वजह से उसे श्राप मिला था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ में कर दिया था। हाँ, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, जो कलियुग का मतलब जो आने का कारण बनने वाला था, उसको मारने के लिए। अगर अश्वत्थामा अर्जुन के ऊपर इस अस्त्र का उपयोग कर देता तो अर्जुन भी ऐसा ही अस्त्र उसके ऊपर चला देता और दोनों के ब्रह्मास्त्र अगर एक दूसरे से टकराते तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती, पूरा विस्फोट, सब कुछ खत्म, पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। लेकिन अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में किया, इसलिए जो पार था थोड़ा कम हो गया और भगवान श्री कृष्ण की वजह से इसका जो इससे जो संहार हो सकता था वो और ज्यादा कम हो गया, और फिर आखिरकार भगवान कृष्ण ने क्रोध में आके उसे श्राप दे दिए कि वो अब तक भटकता रहे। तो ब्रह्मास्त्र बड़े बड़े योद्धाओं के पास रहा है लेकिन कभी किसी ने यूज नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा संहार फैला सकता है पूरी दुनिया में। इसके बाद 3rd नंबर में आता है सुदर्शन चक्र। किसको नहीं पता होगा भगवान विष्णु का अस्त्र है, ये एक ऐसा अस्त्र है जो केवल भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण ही उपयोग कर सकते थे, और हमारी जानकारी के हिसाब से जो कथाएं फेमस है, पौराणिक कथाएं है, उस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के ऊपर इसका उपयोग किया था। भगवान श्री कृष्ण ने और भी कथाओं में और भी जगहों पर इसका उपयोग किया, लेकिन जो सबसे फेमस कथा वो यही थी। महाभारत में आई थिंक एक बार और यूज किया था, वो सूरज को ढकने के लिए, जब सूरज निकल गया था, और यहाँ पे जो रुक्मणी शादी करने गए थे तो भाई के ऊपर भी यूज किया था रुक्मणी के, शायद वो रोक लिए थे उनके उनके बहन ने बोले थे रोकने के लिए, मैं कंफर्म याद नहीं है मेरे को, लेकिन ऐसा हुआ था, बहन ने बोली थी, मतलब रुक्मणी को लेके भाग रहे थे ना जब उनको भगा रहे शादी करने के लिए, तो उनका भाई बीच में आ गया और बहुत अपशब्द बोलने लगा, पता नहीं है, ऐसा हुआ था, मुझे भी अच्छे से याद नहीं, आप लोग बताना कि ऐसा हुआ था कि नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं 2nd नंबर के अस्त्र के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल यानी कि भगवान शिव का अस्त्र। किसको नहीं पता कि भगवान शिव जो है वो विनाश करते हैं, भगवान ब्रह्मा बनाते हैं दुनिया को, भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव दुनिया खत्म करते हैं, विनाशकारी है वो। अब जो दुनिया खत्म करता है उससे ज्यादा पावरफुल अस्त्र किसके पास हो सकता है? हो ही नहीं सकता। भगवान शिव के ही त्रिशूल की वजह से भगवान गणेश का सर धड़ से अलग हुआ था, है ना,
और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनका सर वापस से ही उनको क्यों नहीं जोड़ दिया गया। हाँ। जब भगवान शिव थे तो वो जोड़ सकते थे ना, हाँ, जैसे कि हाथी का सर जोड़े, वैसे वही सर क्यों नहीं जोड़ दिए? तो इसका जवाब ये है कि वही सर इसलिए नहीं जोड़ पाए क्योंकि वो सर काटने के लिए त्रिशूल का उपयोग हुआ था, और त्रिशूल जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल अस्त्र था, उससे कटी हुई कोई भी चीज वापस से नहीं जुड़ सकती थी, पॉसिबल नहीं है। तभी तो अपने अपने बेटे को भगवान शिव तो कुछ भी कर सकते, लेकिन अपने बेटे के लिए उन्होंने हाथी का सिर लगाया। इसी वजह से वो उनके रियल सर का वापस से उपयोग नहीं कर पाए, चाहते हुए भी, मतलब खुद ईश्वर खुद यूज नहीं कर पाए अपनी शक्ति के सामने। मतलब सोचो कितना पावरफुल होगा वो, ज्यादा पावरफुल। इसके बाद आखिरकार देखो दोस्तों, जैसे कि अभी बताया आपको चार अस्त्रों के नाम जो इतने ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती थी कि चारों अस्त्र क्या, ऐसे और भी बड़े बड़े अस्त्र लोगों के ऊपर फेल हो जाते थे। जो बड़े बड़े राक्षस होते थे, दैत्य होते थे, असुर होते थे, वो बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, लाखों साल की तपस्या करते थे। जी हाँ, उस समय लाखों साल तक लोग जीवित रहते थे और लोगों के पास इच्छा मृत्यु की शक्ति होती थी, तो लोग इतने टाइम तक तपस्या करते रहते थे, भगवान प्रसन्न होते थे और वो भगवानों से आशीर्वाद मांग लेते थे कि हमारी मृत्यु किसी भी अस्त्र और शस्त्र से ना हो। भगवान उन्हें वरदान दे भी देते थे। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो, अब उन लोगों ने वरदान मान लिया कि इस दुनिया में इस भगवान के पास जो कोई भी अस्त्र और शस्त्र होगा उससे हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, चाहे वो त्रिशूल ही क्यों ना हो, सुदर्शन चक्र ही क्यों ना हो, कुछ भी ब्रह्मास्त्र क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उनकी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि उन्हें वरदान मिल चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में एक ही अस्त्र था जो काम आता था और जो काम आता है और हमेशा आता रहेगा, और वो अस्त्र है बुद्धि का, बुद्धि का, अपना बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कुछ कहे हैं और वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुद्धि के बारे में क्या कहे हैं। द वर्किंग सेंस आर सुपीरियर टू डल मैटर, माइंड इज हायर देन द सेंसेस, इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड, एंड द सोल इज इवन हायर देन द इंटेलिजेंस। मतलब यहाँ पर ये बताया है कि सोल मतलब जो हमारी आत्मा है वो इंटेलिजेंस से भी ज्यादा ऊपर है, लेकिन हम आत्मा की बात ना करें तो इंटेलिजेंस हमारा सबसे सुपीरियर होता है, चाहे इस दुनिया की कोई भी चीज हो, इंसान अपनी बुद्धि की मदद से कुछ भी कर सकता है। और ये साबित भी हुआ है काफी सारी पौराणिक कथाओं में, जैसे कि भस्मासुर था, उसको वरदान था, उसको वरदान था कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, उसके पास एक ऐसी शक्ति भी थी कि वो किसी के सर पे हाथ रख देगा तो वो मर जाएगा, किसी के सर पे हाथ रख देगा तो। अब वो उसने तो तहलका मचा दिया था, एक बार वो भगवान शिव के पीछे पड़ गया, हाँ। जिनसे उसने आशीर्वाद लिया था, वरदान लिया था, तब भगवान विष्णु आए अपना रूप बदल के और उसके चाल में उसको ही फंसा दिए और उसने अपने सर पर हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। ऐसे ही एक और बार एक और राक्षस की मृत्यु हुई, ये हिरण्यकश्यप की भी ना, हिरण्यकश्यप की भी सेम टू सेम हुई, क्योंकि हिरण्यकश्यप को भी वरदान था है ना कि कैसे भी नहीं मार सकता, ना ही आसमान से कोई उसको मार सकता, ना ही धरती से मार सकता, ना कोई अस्त्र शस्त्र से, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई जानवर, ना ही कोई देवता, मतलब कहीं से वो मर नहीं सकता, ना दिन में ना रात में। तो फिर आप सभी लोगों को पता है भगवान नरसिंह रूप में आए और उसका वध किए थे अपने नाखूनों की मदद से। और ऐसे ही एक और स्टोरी, तुमको पता है जब कृष्ण अपन देखते हैं तो उसमें बताता है कि कोई तो भी एक था जो कृष्ण जी के पीछे पीछे भागा था और कृष्ण जी उसको अपने पीछे पीछे भगाए थे और एक गुफा के अंदर घुस गए थे और एक साधु थे जो उठे अपनी आंखें खोले और वो राक्षस मर गया। ये जरासंध की टीम का था कोई, अरे एक सेकंड, काल के नहीं, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वही टाइम की बात है जब उनकी बहन सुभद्रा के और अर्जुन के पीछे पड़ गया था और भगवान कृष्ण आए और उन्होंने उसका अपने बुद्धि का यूज करके उसको ले गए और बहुत साल से जो साधु तपस्या कर रहे थे कि अगर वो आंख खोलते तो कोई भी भस्म जाता, तो उसको ले गए और उनके सामने क्योंकि वो राक्षस भी ऐसा था, उसको भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते थे, तो भगवान श्री कृष्ण को एक ही तरकीब मिली जो साधु को, साधु की भी स्टोरी अलग ही है, अलग वो नॉर्मल साधु नहीं थे, वो एक किंग थे, वो एक राजा थे, इसके पीछे की एक कहानी है, बहुत सालों वो एक्चुअली तपस्या नहीं थी, वो इतना बता रहा हूँ, वो 40 लाख साल से सो रहे थे, 40 लाख साल से, इसके पीछे की कहानी मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा, वो कहानी बता देगा। भगवान श्री कृष्ण उसके सामने जानबूझ के वो राक्षस को लेके आए, उन्होंने अपनी आंख खोले और वो खत्म हुआ था। भगवान विष्णु ने हमेशा अपने बुद्धि का यूज किया है ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए, बहुत बुद्धि का यूज किया। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं सामने जहाँ साबित हो जाता है कि दुनिया में कोई भी अस्त्र ले आओ वो बुद्धि के सामने फेल हो ही जाते हैं। अगर बुद्धि
बुद्धि सद्बुद्धि हो किसी के पास, कुबुद्धि नहीं, गलत बुद्धि नहीं, कि मतलब शकुनी वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। शकुनी मतलब कांड करवा दे, इतना बड़ा महाभारत करवा दे, वो बुद्धि नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल बुद्धि भी नहीं चलेगी, नहीं तो आप बोलो कि अरे हमारे सामने तलवार चला, हम बुद्धि चलाएंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं, वो भगवान की बुद्धि, ये जो बहुत बड़े संत होते हैं, ये जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, उसके लिए खुद को पहचानना होगा। वो बहुत डिटेल में डीप टॉपिक है, उसके ऊपर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी देना था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल अस्त्र कौन से होते हैं। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।